हम कर रहे थे कॉलिनर्जिक ड्रग। पिछले सेक्शन में हमने कोलिनोमेमेटिक्स देखे, कुछ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमेमेटिक्स थे, उनमें मस्कुरिनिक एगोनिस्ट देखे, जिस तरीके से बेथानिकोल, कार्बाकोल ये वाले ड्रग थे। और दूसरे हमने जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमेमेटिक्स देखे, जिसमें एस्टाइल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर वाले क्लास के ड्रग थे, जिसमें फाइजोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन, ठीक है, और ये वाली ड्रग्स थे। तो आज हम करेंगे एंटेगोनिस्ट, कोलिनो रिसेप्टर्स के एंटेगोनिस्ट। तो कोलिनो रिसेप्टर्स, वहीं कोलिनो रिसेप्टर्स दो टाइप के थे, मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स थे और निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे। तो पहले हम मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स देखेंगे, उसके एंटेगोनिस्ट देखेंगे। अच्छा, तो एंटेगोनिस्ट क्या होता है? एंटेगोनिस्ट तो पता है आप लोगों को क्या होता है, उसकी तीन टाइप्स होती हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। एक फिजियोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट होता है, एक केमिकल एंटेगोनिस्ट होता है, एक फार्माकोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट होता है। जो फिजियोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट है वो ये उनमें ये होता है कि दोनों लाइजेंट्स के लिए रिसेप्टर डिफरेंट होता है, ठीक है। वो दोनों लाइजेंट्स अपने अपने रिसेप्टर्स पे लगते हैं, अंदर जो सेलुलर प्रोसेस हो रहा है वो एक दूसरे को काउंटर कर रहा होता है। जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागन के केस में इंसुलिन का अपना रिसेप्टर है, ठीक है, और टायरोसिन काइनेस वाला और ग्लूकागन का अपना रिसेप्टर है जो जी स्टिमुलेटरी कपल्ड होता है, ठीक है। तो वो दोनों अलग अलग रिसेप्टर्स है, उससे अंदर वो सेल के अंदर ऐसे प्रोसेसेस करते हैं जो एक दूसरे को एंटागोनाइज करते हैं, ठीक है। वो हो गए फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। अच्छा, केमिकल एंटेगोनिस्ट में ये होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है या जो हार्मोन है या जो लाइजेंट है रिसेप्टर के लिए, उसके साथ कोई केमिकल लग के उसको तोड़ देता है, ठीक है, तो ये केमिकल एंटेगोनिस्ट कहलाता है। और फार्माकोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट में ये होता है कि जो रिसेप्टर है, जैसे मस्कुरिनिक रिसेप्टर है ना, वो एस्टाइलकोलिन का रिसेप्टर है या मस्कुरिन का रिसेप्टर है, ठीक है। तो मस्कुरिनिक एंटेगोनिस्ट वो क्लास होंगे ड्रग के या कंपाउंड्स होंगे जो जाके उधर उस रिसेप्टर पे लगने के लिए कम्पीट करेंगे मस्कुरिन के साथ, एस्टाइलकोलिन के साथ करके वहाँ लगेंगे। लगने के बाद अंदर जो है रिस्पॉन्स भी जनरेट नहीं करेंगे और असल लाइजेंट को लगने भी नहीं देंगे। उसमें हमने प्रोटोटाइप देखा था एट्रोपिन, हमने ऊपर नाम लिया था कि एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स की जिस तरीके से ऑर्गेनोफॉस्फेट थी उनकी अगर पॉइजनिंग हो जाती थी, ठीक है, तो डंबबेल्स वहाँ पे होते थे क्योंकि मस्कुरिनिक रिसेप्टर सारे एक्टिवेट हो जाते थे। उसको रिवर्स करने के लिए हम एट्रोपिन देते थे, ठीक है। एट्रोपिन देने की वजह ये थी कि एट्रोपिन जो है ये देखिए प्रोटोटाइप ये लिखा हुआ है, एट्रोपिन प्रोटोटाइप ऑफ द क्लास, इस क्लास का प्रोटोटाइप है ये एट्रोपिन, ठीक है। इस क्लास को मतलब एट्रोपिन को आप जानते हो तकरीबन दूसरे ड्रग के साइड इफेक्ट्स और थेरेप्यूटिक यूजेस आप आराम से कर सकते हो। देखो ये टर्शियरी अमीन है, टर्शियरी अमीन है, ये इंटर हो सकता है CNS में, इसीलिए हम एट्रोपिन को देते थे ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी जो मस्कुरिनिक इफेक्ट्स होते थे उनको भी रिवर्स करता था। एट्रोपिन मस्कुरिनिक एगोनिस्ट है, ठीक है, तो वो एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर के उन इफेक्ट्स को रिवर्स नहीं कर सकता था जो निकोटिनिक थे, ठीक है, क्योंकि निकोटिनिक वाले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जिस तरीके से वहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर होता था आगे, ठीक है, तो एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस तो यहाँ भी इनहिबिट होता था, यहाँ पे एस्टाइलकोलिन इंक्रीज होता था, यहाँ कोलिनर्जिक क्राइसिस होते थे, उनको रिवर्स एट्रोपिन नहीं कर सकता था क्योंकि ये मस्कुरिनिक एंटेगोनिस्ट है, ये निकोटिनिक एंटेगोनिस्ट नहीं था। उसको रिवर्स करने के लिए हम यूज़ करते थे 2PM, ठीक है, पेरेलिडोक्साइन जो था उसको यूज़ करते थे। वो क्या करता था, एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट से अलग करके मतलब रीजनरेट करता था, ये तो वहाँ पे हम समझ गए थे। अच्छा, अब हम देखेंगे एट्रोपिन जो है इसके एक कुछ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखेंगे, ठीक है, मतलब इसकी अगर ओवरडोज होती है तो क्या हो सकता है ये देखेंगे, फिर इसी किसी को रिवर्स करके थेरेप्यूटिक यूजेस हम इसके कर सकते हैं। देखिए बॉडी के अंदर जितने प्रोसेसेस है ना, उनको हम या बाहर से ड्रग देके इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, कोई नया प्रोसेस हम इनिशिएट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस इधर आप जैसे हम एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर की पॉइजनिंग में एट्रोपिन देते थे, तो एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर मस्कुलिनिक जो वो प्रोसेसेस थे जिनको आप पैरासिम्पेथेटिक प्रोसेसेस कह सकते हो वो इंक्रीज़ करता था, तो हम एट्रोपिन देकर उसको ब्लॉक करते थे और डिक्रीज़ करके अपने जगह पे लाते थे। अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो तो हम क्या करेंगे, कोई एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर देंगे, ठीक है, तो वो एस्टाइलकोलिन को इंक्रीज़ करेगा और एट्रोपिन को मस्कुरिनिक जो रिसेप्टर है उससे हटा के एस्टाइलकोलिन कम्पीट करके लगेगा और प्रोसेस इनिशिएट करेगा और दोबारा इस तरह होम्योस्टेटिक लेवल पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको होम्योस्टेटिक लेवल में लाते हैं, यानी या तो हम इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, कोई नया प्रोसेस हम इनिशिएट नहीं कर सकते बॉडी के अंदर बाहर से कोई चीज़ देके। तो एट्रोपिन जो है इसकी अभी कुछ देखते हैं इसके क्या क्या मतलब वो है, वो टेबल जो हम देख रहे थे वो अगर आती हो तो वो सारा कुछ आएगा, यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा।
वो समझना ज़रूरी है, इस इन चीज़ों को समझने से पहले, मतलब इन इनको डिस्कस करने से पहले वो समझना ज़रूरी है। अभी हम यहाँ पे वो टेबल भी साथ में रिवाइज कर रहे होंगे। देखिए एट्रोपिन मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है ना, तो इसकी अगर ओवर डोजेज हो जाए तो क्या होगा, डिक्रीज सिक्रीशन होंगे, सिलिवरी ब्रोंकियल और स्वेट सिक्रीशन डिक्रीज होंगे। तो हम वहाँ टेबल में देखा थे कि M3 रिसेप्टर्स थे सिलिवरी ग्लैंड्स में, ब्रोंकियल ग्लैंड्स में और स्वेट ग्लैंड सब में। स्वेट में जो है वो सिंपैथेटिक मीडिएटेड थे, बाकी पैरा सिंपैथेटिक मीडिएटेड इट जो है M3 रिसेप्टर्स थे वो एक्टिवेट होते थे, तो सिक्रीशंस होती थी, सिलिवरी स्वेटनिंग वगैरह होती थी। एट्रोपिन क्या करेगा, इधर लग के रिवर्स करेगा, मतलब वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा, तो डिक्रीज सिक्रीशन होगी। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी ने दांतों का मतलब कोई ऑपरेट वगैरह करना है, सिक्रीशन कम करनी है, तो एट्रोपिन की क्लास की कोई ड्रग देकर वो सिक्रीशन कम कर सकता है, ये यूज़ हो सकता है। ओवर डोजेज में ड्राई माउथ होगी, लाजमी सी बात है। बाकी ये देखें मेड्राइसिस और साइक्लोप्लीजिया, हम आई वाले टेबल में हमने देखा था, आई में क्या था, M3 रिसेप्टर्स कहाँ थे, एक सर स्पिंचर मसल जो प्यूपिल के थे उधर थे, और दूसरा वो जो एकोमोडेशन के लिए मसल्स थे, ठीक है, सिलियरी मसल्स वहाँ पे थे, तो वो क्या करते थे, हम मायोसिस करते थे और एकोमोडेशन कराते थे। तो ये एट्रोपिन क्या करेगा, उसको इनहिबिट करेगा, तो सिंपैथेटिक वाला खुद ब खुद बढ़ जाएगा, तो मेड्राइसिस होगी और साइक्लोप्लीजिया होगा। ठीक है, तो ब्लर विजन होगा। बाकी हाइपरथर्मिया, ये देखिए हाइपरथर्मिया किस तरीके से होगा, और वो जो डायलिटेशन की वजह से फ्लश नहीं होगी कैसे होगी। देखिए हमने देखा था कि स्वेट ग्लैंड्स को M3 रिसेप्टर्स थे स्वेट ग्लैंड्स में, और पैरा सिंपैथेटिक मीडिएटेड थे। ठीक है, तो M3 क्या करते थे, स्वेट नहीं कराते थे, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता था। अच्छा, M3 को ब्लॉक करेगा अगर एट्रोपिन, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि स्वेटनिंग नहीं होगी, और साथ में टेम्परेचर डिक्रीज करने के वजह से डायलिटेशन होगी, ब्लड वहाँ पे आएगा, तो फ्लशिंग रिएक्शन होगा और वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ब्लड वो फ्लशिंग होगी, रेड चेहरा नजर आएगा, हाइपरथर्मिया, और इस वजह से चाइल्ड जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ हो सकती है अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो, क्योंकि एट्रोपिन कुछ मशरूम्स में होता है, वो अगर खा ले और बहुत ज़्यादा ओवर डोज मतलब मिकदार में खा ले, तो वो इस हाइपरथर्मिया के थ्रू उसकी डेथ हो सकती है। अच्छा, टेकीकार्डिया हो सकता है। देखिए टेकीकार्डिया किस तरह हो सकता है, आपको पता है वहाँ पे हार्ट में M2 रिसेप्टर्स है। ठीक है, M2 रिसेप्टर्स के थ्रू हार्ट का क्या होता था, ब्रेडीकार्डिया होता था। ठीक है, तो अगर एट्रोपिन उसको ब्लॉक करता है, तो खुद ब खुद टेकीकार्डिया होगा, सिंपैथेटिक वाला मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका हम थेरेप्यूटिकली इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी को ब्रेडीकार्डिया है, तो हार्ट को स्पीड अप करने के लिए हम एट्रोपिन देकर M2 को ब्लॉक करके स्पीड अप कर सकते हैं। यहीं इसके साइड इफेक्ट्स भी है, यहीं इसके थेरेप्यूटिक यूज़ के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेडिटेशन हो सकती है, यूरिन रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन के लिए हम इसको, यूरिन रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन इससे होगी। यूरिन रिटेंशन देखें, ब्लेडर में M3 रिसेप्टर्स थे, अच्छा GI ट्रैक में M3 रिसेप्टर्स थे, उनके थ्रू मस्कुलिनिक जो एगोनिस्ट थे सारे क्या करते थे, या एसिटाइलकोलिन वगैरह पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या करती थी, यूरिनेशन कराती थी और डायरिया कराती थी, या डिफिकेशन वगैरह कराती थी। तो इसको हम अगर इसकी ओर डोज हो, तो उसको उल्टा कर देगा, यूरिन रिटेंशन कराएगा और कॉन्स्टिपेशन कराएगा। ठीक है, बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जा सकता है, क्योंकि ये टर्शियरी एमीन है, तो वहाँ पे जाके ये क्या करेगा, देखिए ये एसिटाइलकोलिन इनके ये जो रिसेप्टर्स है मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, उनको ब्लॉक करेगा, मस्कुलिनिक ब्लॉक करेगा, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को जब ब्लॉक करेगा, तो वो जिस तरीके से अल्जाइमर डिजीज में क्या होता था, एसिटाइलकोलिन कम होता था, तो कुछ सिम्टम्स नजर आते थे ना, तो अभी मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, तो ऐसे सिम्टम्स आएंगे जैसे अल्जाइमर है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन लग ही नहीं रहा है, तो उसका होना ना होना एक ही बात है ना, अल्जाइमर की तरह के सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उस वजह से ये हेलुसिनेशंस वगैरह हो सकते हैं, और ये सेडेशन भी इसी वजह से हो सकती है। ठीक हो गया, बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, कंप्यूटर ये क्या करता था, ये एसिटाइलकोलिन के साथ कंपीट करके मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे लग के ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब एट्रोपिन की जो क्लास है उसके ड्रग्स अगर देखो, तो एट्रोपिन में एक तो ये, तो बहुत सारे क्लास के ड्रग्स जो हैं इनके एट्रोपिन लाइक इनके एक्शन होते हैं। देखिए फर्स्ट जनरेशन एंटी जो हिस्टामिन्स है, अच्छा एंटी साइकोटिक्स है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, एंटी पार्किंसन ड्रग्स है, इन सब में जो है एट्रोपिन लाइक जो है सिम्टम्स ये शो कर सकते हैं, और बहुत सारे आगे आएंगे, हम इसको एट्रोपिन वाली लिस्ट में ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, इनके बेसिकली दो बड़े क्लासेस है एट्रोपिन लाइक ड्रग के, मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट के। ठीक है, एक तो बेलेडोना एल्कलॉइड हो सकते हैं, बेलेडोना कहते हैं ब्यूटीफुल लेडी को। ठीक है, ब्यूटीफुल लेडी इसलिए कि ये एट्रोपिन अगर आई में डाल देते थे पहले लोग, तो क्या होता था, वो प्यूपिल डायलेट हो जाता था, तो ब्यूटीफुल लगते थे, पता नहीं क्या ब्यूटीफुल लगते, प्यूपिल डायलेटेशन से ये एट्रोपिन से मेड्राइसिस होती है, मेड्राइसिस से मतलब वो बेलेडोना, इसीलिए अल्कलॉइड बेलेडोना प्लांट से लिया जाता है। ठीक है, दूसरा ये सिकोपोलामीन, उससे याद रखना, सिकोपोलामीन को इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशन सिकनेस में यूज़ होता है। ठीक है, ट्रॉपिकली यूज़ होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जा सकता है, टर्शियरी भी है, ये भी
तो ये मोशन सिकनेस के लिए यूज़ होता है। बाकी इन ड्रग को याद करने के लिए क्लिनिकल केसेस से हम आगे क्लिनिकल केसेस डिस्कस करेंगे, उनमें इन ड्रग के जो है साइड इफेक्ट्स, थेरेप्यूटिक यूजेस वगैरह वगैरह, इनके क्लास वगैरह हम वहाँ पे याद कर रहे होंगे अनइंटेंशनली। यहाँ पे हमने समझना है कि ये क्या करते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, इसी तरीके से ठीक है। दूसरे सिंथेटिक भी है, सिंथेटिक में बेंजोट्रोपिन है ठीक है, इसी तरीके से इपीट्रोपियम, टियोट्रोपियम ठीक है, टोलट्रेडिन और ट्रोपिकमाइडी, इनके यूज़ ये आगे और जहाँ पे लिखा है ये ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन के तौर पर यूज़ होते हैं। जैसे आगे आई की एग्जामिनेशन करानी है तो पीपल को डायलेट करा के अंदर एग्जामिन करना ना, तो हम जो है मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट डालेंगे, डायलेट होगा, माइड्रोसिस होगी, हम आगे एग्जामिन कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे इनके जो इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे अलग किया गया, ये ट्रोप ड्रग आप कह सकते हो। देखो इनमें से ज़्यादातर में ट्रोप ट्रोप आ रहा है, ये एट्रोपिन है ठीक है, ट्रोपिकेमाइड है, ट्रोपिकेमाइड के बाद इपीट्रोपियम है ठीक है, इसके बाद ये टियोट्रोपियम है, ट्रोप इसमें भी आ रहा है ठीक है, सिकोपलमिन को छोड़ दो, ये बेंजोट्रोपिन है ठीक है। और तो ये तकरीबन पांच हो गए, देखिए एट्रोपिन, ट्रोपिकेमाइड, इपीट्रोपियम, टियोट्रोपियम और बेंजोट्रोपिन ठीक है। तो ये ट्रोप ड्रग एट्रोपिन लाइक है, यानी मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। उसके अलावा सिकोपलमिन है ठीक है और ऑक्सब्यूटाइन है ठीक है। अच्छा एट्रोपिन को हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते थे, एक तो हमने मैनेजमेंट ऑफ एंटी है एसिटाइलकोलाइन स्ट्रेस इनहिबिटर के लिए, उसके ओवरडोज के मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते थे ठीक है। एंटी डायरियल यानी कॉन्स्टिपेशन करा रहा है, डायरिया को रिवर्स करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्थमोलॉजी में इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग है तो यही मेड्राइसिस करके एग्जामिनेशन के लिए, तो इसके जगह पे ये ट्रोपिकेमाइड यूज़ होते हैं क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है ठीक है, ये डाल के मेड्राइसिस करके एग्जामिन कर सकते हैं। इपीट्रोपियम और टियोट्रोपियम ये देखे एस्थमा और जो सीओपीडीज है उनमें यूज़ होता है। एस्थमा सीओपीडीज के लिए क्यों यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है एस्थमा वगैरह में वीजिंग होती है ना, ब्रोंकोसिपाज़म होता है, M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ये क्या करेंगे वहाँ पे ब्रोंको डायलेटेशन करेंगे, तो वो हो सकता है, मतलब वो क्या कहते हैं सिम्टम जो है रिलीव हो सकते हैं एस्थमा और COPD के। उसके अलावा साथ में ये सिक्रीशन भी कम कराएगा ठीक है, विस्कोसिटी चेंज नहीं करता है लेकिन क्वांटिटी में सिक्रीशन को कम कराएगा, क्योंकि M3 ही रिसेप्टर, मस्कुलिनिक ही रिसेप्टर्स के थ्रू सिक्रीशन होती है ना ग्लैंड में, तो उसको डिक्रीज कर सकता है। यानी हमने यहाँ पे जो इस टेबल में फोकस करना वो एट्रोपिन पे करना है, ये समझ के जाना है, इसकी क्लास बाद में ऐड होती जाएगी। उसके साथ ये ऑक्सब्यूटाइन है ना, इस पे हमने ध्यान देना क्योंकि ये आगे नहीं आएगा, यहीं पे करके जाना है, बाकी वाली चीज़ें तकरीबन आगे आ जाएंगी। मोशन सिकनेस है जैसे सिकोपोलामिन है, तो ये आगे मोशन सिकनेस जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि वहाँ पे हमने दोबारा इसको करना है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर हो सकता है सिकोपोलामीन ठीक है, तो इसीलिए इसको मोशन सिकनेस में दिया जाता है उसके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए ठीक है। बाकी ये देखिए ऑक्सब्यूटाइनिन जो है इसको बिलेडर की ओवर रिएक्टिविटी हो ना उसको रिवर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है। अगर इनएक्टिव बिलेडर हो तो हम क्या देते थे, जाहिर है बेथानिकोल देते थे ना बिलेडर को एक्टिवेट करने के लिए, तो वो क्या था एसिटाइलकोलाइन, वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट था, तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हम देंगे अगर किसी का ओवर रिएक्टिव बिलेडर है तो उसको कम करने के लिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को रिलीव करने के लिए ऑक्सब्यूटाइनिन दे रहे हैं ठीक है। बाकी इपीट्रोपियम टियोट्रोपियम ये आगे रिस्पायरेटरी में आएंगे ठीक है। अच्छा बेंजोट्रोपिन है, बेंजोट्रोपिन लिपिड सोलूबल है, देखिए पार्किंसनिज्म में ट्रोपिन और ट्राइएक्सिफिलिनएलिडी ये पार्किंसनिज्म में यूज़ होता है, पार्किंसन ये भी लिपिड सोलूबल है, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर हो सकते हैं, इसीलिए इनको पार्किंसनिज्म में यूज़ किया जा सकता है। पार्किंसनिज्म में क्या होता होगा आप इधर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अगर हम पार्किंसनिज्म में दे रहे हैं ना ट्रीटमेंट के तौर पर, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा एसिटाइलकोलाइन बढ़ रहा होगा ठीक है। अल्जाइमर में क्या हो रहा था एसिटाइलकोलाइन कम हो रहा था, इसलिए हम एसिटाइलकोलाइन स्ट्रेस इनहिबिटर्स देते थे ताकि एसिटाइलकोलाइन बढ़े और वो पार्किंसनिज्म वो क्या कहते हैं अल्जाइमर जो है वो रिलीव हो जाए। अब यहाँ पार्किंसनिज्म में हम उल्टा दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एसिटाइलकोलाइन ज़्यादा हो रहा है, तो हम बेंजोट्रोपिन या ट्राइएक्सिफिनाइलिडिन देकर क्या कर रहे हैं उनको रिवर्स करते हैं। अच्छा बस यही चीज़ें हैं इसके, बाकी यहाँ पे देखें यूजेस अगर देखें ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम देखा है, दोबारा बस जल्दी से देखेंगे, सीओपीडीज में देते हैं इपीट्रोपियम टियोट्रोपियम को ठीक है, एस्थमा में देते हैं इपीट्रोपियम को ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो, हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा हो तो हम एट्रोपिन देते हैं ताकि टेकीकार्डिया हो गया, M2 को ब्लॉक करेगा तो टेकीकार्डिया होगा ठीक है। मोशन सिकनेस में सिकोपोलामीन देते हैं, पार्किंसनिज्म में बेंजोट्रोपिन और ट्राइएक्सिफिनाइडिल देते हैं ठीक है, ब्लैडर वगैरह में ये ऑक्सब्यूटाइनिन याद रखो, टोलट्रेडिन याद रखो ठीक है, और इसी तरीके से करके बाकी ड्रग के लिए हमने आगे ये करना है, ड्रग को और इनके जो है थेरेप्यूटिक यूज को याद करने के लिए हम क्लिनिकल केसेस करेंगे वहाँ पे, ये हमें याद हो जाएंगे इसकी मतलब फिक्र नहीं करनी है। अच्छा एडवर्स इफेक्ट हम ये देखें दोबारा एक बार फिर देखें, ओवरडोज अगर हो जाए एट्रोपिन या एट्रोपिन लाइक ड्रग की ठीक है, तो कॉमन साइंस ड्राई माउथ होगा ठीक है, सीधी सी बात है, डायलेटेड पुपल में ड्राइसिस होगा ठीक है, ब्लरी विजन, साइक्लोपलीजिया हो गया, हार्ट और ये फ्लश स्किन हो गया, ये हाइपरथर्मिया हो गया, टेकीकार्डिया होगा, फीवर होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चेंजेस आ गए, ये सारी चीज़ें हम कराएं हो गया ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया एंटागोनिस्ट जो है मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अच्छा ये देखिए फाइजो, अच्छा
मस्कुरिनिक रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट जो है ये जिस तरीके से एट्रोपिन वगैरह की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो हम ऊपर बता के आए थे कि फाइजोसिटिगमिन हम देते हैं, पायरिडो नहीं देते, फाइजो देते हैं उसको रिवर्स करने के लिए। फाइजोसिटिगमिन क्या था? एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर था ना। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर सजेस्ट फाइजोसिटिगमिन। फाइजोसिटिगमिन इसलिए देते क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाके एट्रोपिन के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रिवर्स एडवर्स इफेक्ट्स थे उनको भी रिवर्स करता था, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जा सकता था। पायरिडो नहीं देते क्योंकि वो क्वार्टरनरी एमिन है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं जा सकता। अच्छा एक और बात यहाँ पे है कि फाइजोस्टिग्मिन यूज्ड ओनली फॉर प्योर एंटी मस्कुरिनिक, अगर जो ड्रग है उनकी पॉइजनिंग के लिए हम फाइजोस्टिग्मिन दे रहे होते हैं। लेकिन अगर ये जैसे एंटी हिस्टामिन, एंटी साइकोटिक्स और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से भी एट्रोपिन लाइक एडवर्स इफेक्ट्स होंगे इनकी ओवरडोजेस से, लेकिन इनको रिवर्स करने के लिए हम फाइजोस्टिग्मिन नहीं दे सकते। ये चीज़ें हमने याद रखनी है, बाकी केसेस करेंगे इंशाल्लाह। हमारा ये कॉलोनर्जी ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।